नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चंदनगर पुलिस ने शुक्रवार रात एक मकान पर छापा मारकर 25 किलो से अधिक गौमांस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने में बजरंग दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बजरंग दल के जिला सह संयोजक पंकज गदे और जिला सुरक्षा प्रमुख ईश्वर जी प्रजापत ने बताया कि उन्हें चंदनगर में गौमांस की सूचना मिली थी कि 814 चंदनगर स्थित एक मकान में अवैध रूप से गौमांस का विक्रय किया जा रहा है। यहां पर पप्पू जी कांजली, पंकज जी गदे, ईश्वर जी प्रजापत, दीपेश पाल, चंद्रेश, दिनेश परमार, मुकेश लोधी, माखन लोधी, दिनेश परमार, रितेश राठौर, महस राठौर, तेज सिंह जी राठौर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गौमांस बेचने का विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 25 किलो से अधिक गौमांस बरामद किया और उस मामले में आदल पिता मोहम्मद शरीफ निवासी चंदन नगर और मोहम्मद लियाकत पिता नूर मोहम्मद निवासी कड़ाव घाट को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यहाँ पर आप किस लिए एकत्रित हुए यह बताएंगे? कुछ कार्यकर्ता द्वारा ऐसी जानकारी लगी कि चंदन नगर चौराहे पर चेकिन पॉइंट के द्वारा गौवंश का मांस पकड़ा गया, उसी को लेकर सभी कार्यकर्ता चंदन नगर चौराहे पर एकत्रित हुआ और उस संबंध में टीआई साहब से जानकारी ली तो टीआई साहब ने बताया है कि 20 से 25 किलो गौवंश का मांस पकड़ा है जी। उसकी अभी जांच की जा रही है, आखिर मांस किसका है और दो दिन बाद जो भी है उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, अगर दो दिन बाद चंदन नगर थाना द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसमें आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? बजरंग प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि दो दिन के अंदर कार्रवाई होगी और कभी कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल आंदोलन करेगा, इसका जिम्मेदार भी प्रशासन रहेगा। ठीक है भाई साहब, आपका नाम एवं पद? पंकज गर्दे, बजरंग दल द्वारिका जिला। देश कवल, बजरंग दल।